शुभोदय बच्चों, आज अपना सेक्शन है डे 8। सो आज के सेशन में अपन कौन सा कहानी पढ़े थे? ऊंट की पीठ। सो अपनी कहानी में ऊंट की पीठ कहानी में ऐसो प्रश्न उत्तर आज अपन लिखी। सो अपन ऊंट की पीठ कहानी से क्या सीखे बेटा? अपन कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, अपनी बातों से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, यही अपन इस कविता से सीखे। चलो अपन देखते हैं कि वो इस कविता में ऐसा प्रश्न उत्तर और उस संबंधित प्रश्न बिट्स। देखो बेटा, सब जने अपने क्लास वर्क निकालो और कभी भी आप क्लास वर्क में लिखते समय क्या करना होगा, आपको डेट डालना चाहिए और लेसन का नाम लिखना चाहिए और एक प्रश्न एक उत्तर के बाद एक एक लाइन जोड़ते हुए सुंदर सुंदर अक्षर लिखना होगा आपको। ओके बच्चों, आप तैयार हो जाओ नोटबुक निकाल के, मैं आपको प्रश्न उत्तर पढ़ के सुनाऊंगी, आप भी पढ़ते हुए मेरे साथ लिख दीजिए। पहला प्रश्न, ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे? आपने कहानी में ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे बेटा? लंबे। कैसे थे? लंबे। ऊंट के लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। लंबी पैर और गर्दन थी। दूसरा, ऊंट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे? सो ऊंट की हंसी उड़ाए ना उसके मित्र खरगोश और बंदर ने, लेकिन वैसा क्यों उड़ाए उसकी हंसी? देखो, क्यों उड़ाए थे? ऊंट की पीठ पर उबट थी, इस कारण ऊंट के मित्र उसकी खूब हंसी उड़ाते थे। क्यों उड़ाते थे उसकी हंसी उसके मित्र? क्योंकि ऊंट की पीठ पर ऐसा उबट था, उस उबट को देखकर वो लोग ऊंट की हंसी उड़ाते थे। ऊंट की उबट को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है? सो अपने इस कहानी में सुने ने बेटा, ऊंट की कूबड़ जो होती है ना उसको भोजन का भंडार कहा जाता है, लेकिन वैसा क्यों कहते हैं अपन भोजन का भंडार बोलते हैं कूबड़ को? क्योंकि हाँ, ऊंट क्या करते हैं बेटा, वो पूरे जब भी खाना पानी मिलता है वो क्या है कि वो कूबड़ में स्टोर कर रहे थे, स्टॉक रहते थे। जब भी बहुत दिनों तक पानी और खाना नहीं मिले तो लोग क्या करते, ऊंट क्या करते, वो कूबड़ के सहारे ही ताकत पाते। अपन देखो बेटा, अगर एक दिन नहीं खाना नहीं खाए तो, एक दो दिन खाना नहीं खाए तो, पानी नहीं पिए तो क्या होता, हमें ताकत नहीं मिलती, अपन बेहोश हो जाते, बीमार पड़ जाते। लेकिन ऊंट क्या होता है, उसकी कूबड़ के सहायता से, क्योंकि वो कूबड़ भोजन का भंडार है, बहुत दिनों तक उसको खाने और पाना नहीं मिले तो भी वो कूबड़ के सहारे स्टॉक रहता ना उसके अंदर, उसके सहारा ही वो ताकत पाते, इसलिए उसको भोजन का भंडार कहा जाता है। ऊंट के कूबड़ को भोजन का भंडार कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में जब बहुत दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता तब कूबड़ के सहारे ही ऊंट ताकत पाती है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है और क्यों? बोलो बच्चों, अपन अपन कहानी में पढ़े ना रेगिस्तान का जहाज बोल के किसे कहते हैं? हाँ, ऊंट को। किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को। ऊंट का एक नाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, लेकिन वैसा क्यों कहते हैं अपन? हाँ, रेगिस्तान का जहाज बोल के क्यों कहते हैं ऊंट को? देखो, क्योंकि वही बिकॉज वे रेगिस्तान में तेजी से चल पाते हैं, उसके पैर रेत में नहीं धस जाते हैं, रेत में नहीं धस जाते हैं। बोले तो क्या रेगिस्तान में कह सकते अपन नॉर्मल चल नहीं सकते, अपन गए तो रेगिस्तान में नहीं चल पाते, क्या होते अपने पैर रेत के अंदर ऐसा धस जाता है, ठीक है, लोग अंदर चले जाते हैं अपने पैर। लेकिन इस ऊंट के पैर कैसे होते हैं, वो आसानी से रेती के ऊपर तेजी से चलना नहीं तेजी से चल सकते हैं। उसके पैर कैसे होते हैं, वो रेत में नहीं
पैर और गर्दन कैसे थे? ऊंट के लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। ऊंट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे? ऊंट की पीठ पर कुबड़ थी, इस कारण ऊंट के मित्र उसकी खूब हंसी उड़ाते थे कुबड़ के कारण। ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है? ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में जब बहुत दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता तब कुबड़ के सहारे ही ऊंट ताकत पाती है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है बच्चों? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है क्योंकि वे रेगिस्तान में तेजी से चल पाते हैं, उसके पैर रेत में नहीं धस जाते हैं। वगैरह बेटा देखो और एक बेटे सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर देखो बेटा ये एक ब्लू बॉक्स है, सो यहाँ पे कुछ शब्द चार शब्द दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? यहाँ पर चार वाक्य दिया हुआ है, हमें क्या करना है यहाँ पर इसमें से कौन सा भी एक शब्द सही शब्द को चुनकर एक एक वाक्य को हमें पूरा करना है। देखो ऊंट की गर्दन डैश होती है, सो कैसी होती है बेटा ऊंट की गर्दन बताओ? हाँ लंबी और लंबी। यहाँ पे देखो बेटा लंबी और लंबे भी, यहाँ पर गर्दन कैसी है क्या लिखना होगा, लंबे या लंबे? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते बच्चों, देख लंबी और लंबे। तो गर्दन अगर कौन सा भी चीज एक वचन एक है तो उसको क्या बोलते हैं? लंबी। एक से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं? लंबे। ए लंबे आता एक ही मात्रा, मालूम है ना आपने को एक वचन बहुवचन। सो गर्दन मीन्स गर्दन किसे कहते हैं? नेक। सो ऊंट को कितने नेक होते हैं? एक होती है। कितने नेक होते हैं? गर्दन एक ही होता है। सो एक हुए तो उसको उसमें उसको क्या आना? लंबी बोलते। समझ में आया ना? लंबी बोले तो एक, क्योंकि नेक एक ही होता है इसलिए लंबी शब्द आने पर ऊंट की गर्दन लंबी होती है। नेक्स्ट ऊंट को डैश का जहाज कहा जाता है। अभी आपके प्रश्न उत्तर में देख लेना बेटा ऊंट को डैश का जहाज कहा जाता है। किसका जहाज कहा जाता है? पीठ का, लंबे का, रेगिस्तान का। हाँ ऊंट को किसका जहाज कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान का। किसका? रेगिस्तान। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको समझ में आने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना इसलिए मैं अंदर लिखती। ऊंट की डैश पर कुबड़ होता है। ऊंट की कुबड़ कहाँ होती है उसको देखो उसमें से ब्लू बॉक्स में से देखो बेटा। ऊंट की डैश पर कुबड़ होता है, कहाँ होता है कुबड़? ऊंट की पीठ पर। कहाँ होता है? ऊंट की पीठ पर। नेक्स्ट ऊंट के पैर डैश होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पैर, पैर माने लेग्स। सो लेग्स बोले तो एक से ज्यादा। कितने लेग्स होते हैं ऊंट के? कितने पैर होते हैं? चार। ओके सो ऊंट के कितने पैर होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं ना। सो अपन जब क्या कहते हैं? लंबे। क्या कहते हैं? लंबे है ना बेटा। देखिए अब एक वाक्य पढ़े तो हमें समझ में आया कि अपन लिखे सो शब्द सही है या गलत। ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना बेटा। ऊंट की नेक कैसी होती है? गर्दन लंबी होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। अपन ऊंट को कौन से नाम से बुलाते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। ऊंट की पीठ पर क्या होता है बेटा? कुबड़। कुबड़ कहाँ होती? पीठ।
सकते हैं। देखो बच्चों टेक्स्ट बुक है क्या, पूरे इस टेक्स्ट बुक में कॉपी करो और एक प्रश्न उत्तर क्लास वर्क में कॉपी करो। ये टेक्स्ट बुक बेटा बेटा ये टेक्स्ट बुक में करना होगा आपको, ये प्रश्न उत्तर आपको क्लास वर्क में लिखना होगा। लिखते समय याद रखो बच्चों एक डेट डालना चाहिए, लेसन का पार्ट का नाम भी लिखना होगा आपको और एक प्रश्न एक उत्तर के बाद एक लाइन छोड़कर लिखना होगा और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना। प्रश्न के बाद प्रश्न का निशाना लगाना, उत्तर के बाद उत्तर का चिन्ह भी लगाना होगा आपको। समझ में आया ना बेटा, ये कॉपी करो, मैं आपको और एक बार समझाऊं। दादा दादी नाना नानी ऐसा। सो
जैसे कि नानी, नानी बोले तो ग्रैंड मदर, नानी, नाना, चाचा, चाची, ऐसा चाची और चाची। और अध्यापक और अध्यापिका, टीचर और सर, टीचर बोले तो अध्यापिका। सो अध्यापिका कौन से लिंग में आती है? स्त्रीलिंग में आती है, क्योंकि हमें फीमेल जेंडर, सो फीमेल जेंडर में अध्यापिका आती है। और पुल्लिंग माने सर, सर बोले तो अध्यापक जी, सो पुल्लिंग, पुल्लिंग में अध्यापक आता है। सो देखो बेटा, ये है लिंग। सो लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। सो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या है वो? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने प्रकार के हैं? दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सो स्त्रीलिंग बोले तो क्या है बेटा? जिस शब्द से अपन जो भी शब्द बोलते हैं ना, उससे क्या पता चलता है हमें वो कौन सा जाति का है, स्त्री जाति का या पुरुष जाति का है, जिससे पता चलता है उसे लिंग। जिस शब्द से स्त्रीलिंग का पता चलता है स्त्रीलिंग कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग बोले तो फीमेल जेंडर, पुल्लिंग बोले तो मेल जेंडर। सो इसमें लड़की, लड़का, माँ, पापा, बहन, भाई, नानी, नाना, चाची, चाचा, ऐसा इंसानों में ही नहीं, मनुष्य में नहीं, ताकि ऐसे जानवर और पक्षियों में भी अपन मेल और फीमेल में दे सकते। जैसे कि देखो बेटा, इसमें मोर की बोलते पीकॉक। सो फीमेल जेंडर में क्या बोलते हैं? पीकॉक को मोरनी बोलते हैं। वो ही क्या बोलते हैं अपन मेल जेंडर में? पीकॉक को मोर कहते हैं। अपन सीखे ना ऊंटनी, अपने लेसन में आया ना बेटा पार्ट में ऊंट क्या में। सो ऊंटनी बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है वो? स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? क्या में को अपन ऊंटनी बोलते हैं। सो ऐसा ही पुल्लिंग में क्या कहते हैं बेटा? क्या में को अपन ऊंट, ऐसा। सो समझ में आया ना बेटा अब लिंग के बारे में? लिंग मतलब जेंडर। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग माने फीमेल जेंडर, पुल्लिंग माने मेल जेंडर। देखो बेटा उदाहरण बताए ना, लड़की, लड़का, माँ, पापा, बहन, भाई, नानी, नाना, चाची, चाचा, मोरनी, मोर, ऊंटनी, ऊंट। सो बेटा ये है जेंडर के बारे में। सो बच्चों, आज अपने सेशन में अपन क्या क्या सीखे हैं? अपनी कहानी ऊंट की पीठ कहानी में से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखे हैं अपन। आपको ये प्रश्न उत्तर अपने क्लास बुक में कॉपी करना होगा, और ये आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये भी स्कूल जाओ टेक्स्ट बुक में कॉपी करो, नहीं तो क्लास बुक में भी कॉपी कर सकते। और ये जेंडर, ये जेंडर कॉपी करो, नहीं तो समझो बेटा इससे संबंधित में बिट्स अपन दूसरे क्लास में करेंगे। समझ में आया बेटा? पूरे सब्जेक्ट ने ये अपने प्रश्न उत्तर ये बिट्स पूरे अच्छी तरह से पढ़ते हुए लिखते हुए याद करो। ओके बच्चों, सो आज का सेशन में यहाँ पे रोक रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।